हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो हैं, इनको हम लोग इनटॉलरेंस भी बोल सकते हैं। ये एक इम्यूनोलॉजिकल हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हैं। किस वजह से होती हैं ये? हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसकी एक्टिविटी की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं। इसमें जो नॉर्मल टिश्यूज हैं हमारी बॉडी के, वो डैमेज होते हैं ड्यू टू एक्सेसिव एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, अगर वो नॉर्मल से अगर ज़्यादा अगर एक्टिवेट हो जाता है, तो वो हमारे नॉर्मल टिश्यूज को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तब हम उनको नाम देंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को क्लासीफाई करने के लिए एक क्लासीफिकेशन है जिसका नाम है जेल कूम्स क्लासीफिकेशन। तो हम यहाँ पर जेल कूम क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को फोर टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद रखना। कैसे याद रखोगे? एसिड से, ए सी आई डी। ए से याद रखना है यहाँ पर आपको एनाफाइलेटिक रिएक्शंस, सी से याद रखना है साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, आई फॉर इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड डी फॉर डिलेड रिएक्शन। यहाँ पर जो एनाफाइलेटिक, साइटोटॉक्सिक और इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो हैं, ये इमीडिएट टाइप के क्या हैं, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हैं। और जो फोर्थ टाइप का जो हमारे पास में हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, जिसको हम बोलते हैं डिलेड रिएक्शन, ये डिले टाइप का रिएक्शन है, ये थोड़ा लेट आता है। ठीक है, तो यहाँ हमने बोल दिया इसको टाइप वन एनाफाइलेटिक, टाइप टू साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, टाइप थ्री इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और टाइप फोर को हम बोलेंगे डिलेड रिएक्शंस। इनके अदर नेम भी हैं। टाइप वन जो है इसको हम बोल सकते हैं इमीडिएट रिएक्शंस, टाइप टू को एंटीबॉडी मीडिएटेड भी बोलते हैं और इसको हीमोलाइटिक रिएक्शंस भी बोलेंगे, और टाइप फोर जो है इसको बोला जाता है सेल मीडिएटेड रिएक्शंस। अब हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं, इनको एटॉपिक भी बोला जाता है। इनके कौन कौन से अदर नेम्स हैं? एनाफाइलेटिक रिएक्शंस बोला जाएगा इनको, इमीडिएट रिएक्शंस भी इनको बोला जाता है। इमीडिएट रिएक्शन क्यों बोलते हैं इनको? बिकॉज जैसे ही एलर्जन का एक्सपोजर हमारी बॉडी के अंदर होगा, तो कुछ मिनटों के अंदर ही ये हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है, इसलिए इसको इमीडिएट रिएक्शंस बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर एनाफाइलेक्सिस के बारे में कि एनाफाइलेक्सिस जो है वो क्या है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है एनाफाइलेक्सिस मीन्स एग्जेगरेटेड रिएक्शंस ऑफ द बॉडी टू एन एंटीजन टू विच द बॉडी इज सेंसिटाइज ऑलरेडी। हमारी बॉडी ऑलरेडी जिस एलर्जन या फिर जिस एंटीजन के लिए सेंसिटाइज है, उसी के अगेंस्ट हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करेगा, रिएक्ट अगर करता है, तो उसको हम नाम देंगे एनाफाइलेक्सिस। क्या होगा इसमें? ये एक रैपिडली डेवलपिंग इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है वो कुछ ही मिनटों के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। कब देखने को मिलेगी हमें? जैसे ही जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी के साथ क्या होगा, बाइंड होगा, उनके कॉम्बिनेशन के जस्ट बाद हमें कुछ ही मिनट्स में ये रिएक्शन समय देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्प्लेक्स बना है एंटीजन और एंटीबॉडी का, वो बाइंड होगा किसके साथ में? मास्ट सेल के साथ में। ठीक है, किसके अंदर बाइंड होगा ये? ये उस इंडिविजुअल्स के अंदर बाइंड होगा जो कि प्रीवियसली उसी एंटीजेंस के साथ क्या है, सेंसिटाइज्ड है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो रैपिडली डेवलपिंग इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस है, जो कि कुछ ही मिनट्स में हो जाती है। एंटीजन और एंटीबॉडी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने के जस्ट बाद ये रिएक्शन जो है वो कुछ मिनटों में होगी, और ये जो कॉम्बिनेशन जो है वो मास्ट सेल के साथ में बाइंड होगा एक इंडिविजुअल में जो कि ऑलरेडी सेम एंटीजन से सेंसिटाइज्ड है। इसको हम कॉमनली एलर्जी भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि टाइप वन जो रिएक्शन है, इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है स्टेज ऑफ सेंसिटाइजेशन, और इसके बाद में वापस सेंसिटाइजेशन के बाद वापस क्या हो रहा है, री एक्सपोजर हो रहा है उसी सेम एंटीजन का, जो कि लीड करेगा सिम्टम्स के डेवलपमेंट में। तो हमें एलर्जी जो सिम्टम्स आते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो दिखाई देंगे हमें। टाइप वन जो रिएक्शन है ये मीडिएटेड होती है IgE एंटीबॉडी के थ्रू। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि IgE एंटीबॉडी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेस अमाउंट में हमें ये देखने को मिलेगी। इसके अलावा टाइप वन रिएक्शन का मीडिएशन जो है वो दूसरे फैक्टर्स करेंगे जो कि इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं या फिर इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होते हैं।
इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन हमारी जो सेल्स हैं जो कि डैमेज हुई हैं या डिस्ट्रॉय हुई हैं, ठीक है, टिश्यूज के अंदर, तो उनके लिए एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है। तो हम बोल सकते हैं इन्फ्लामेशन जो है वो हमारी बॉडी के लिए एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अगर हम लोग क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो यूजुअली हमें कब देखने को मिलेंगे, जब सेकेंड टाइम क्या होगा, एंटीजन एक्सपोज होगा, ठीक है, तब हमें ये क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे। हिस्टामिन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है अर्ली क्लिनिकल फीचर्स के लिए, ठीक है, तो ये एक तरह से एक परफॉर्म्ड मीडिएटर की तरह काम करेगा हिस्टामिन। हिस्टामिन का जो सिक्रीशन है वो मास्ट सेल्स करती हैं, और हिस्टामिन जो है इसके कुछ फीचर्स भी हैं, उनको अपन हिस्टामिन की ट्रिक से याद रख सकते हैं। H4 यहाँ पर याद रखना है आपको, HCL प्रोडक्शन, I4 इन्फ्लेमेशन, S4 स्ट्रॉन्ग वेजोडाइलेटर, T4 थेरेप्यूटिक वैल्यू नन, मतलब इसका कोई भी थेरेप्यूटिक यूज नहीं है इसका, A4 एलर्जी एंड M4 मास्ट सेल सिक्रीट कर रही है इसको, I4 IgE एंटीबॉडी ई, और N4 न्यूरोट्रांसमीटर और नैरो एयरवे, ये हमारा जो एयरवे है जो पाथवे उसको क्या कर देगा, नैरो भी कर सकता है। IgE एंटीबॉडी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी है जो कि कॉज करती है टाइप 1 रिएक्शन। इंटरल्यूकिन 4 जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है IgE के सिक्रेशन के लिए, और IgE एंटीबॉडी का सिक्रेशन जो है वो बी सेल से होता है, बी प्लाज्मा सेल से। इसमें पूरा मैकेनिज्म जो है वो किस तरह से काम करता है तो देखिए, सबसे पहले हमारी जो बॉडी है वो एक्सपोज होगी एक एलर्जन से। एलर्जन से एक्सपोज होने के बाद हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो IgE एंटीबॉडी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। IgE एंटीबॉडी है, यहाँ पर हम इसको रिएजेंस भी बोल सकते हैं और सेंसिटाइजिंग एंटीबॉडी भी इसको बोल सकते हैं, Ig4 इम्यूनोग्लोबिन्स। ये जो हमारे पास में एंटीबॉडी बना है, ये एंटीबॉडी बाइंड होगा किसके साथ, सरफेस रिसेप्टर के साथ। ये सरफेस रिसेप्टर किसके हैं, मास्ट सेल के, और साथ ही साथ में ब्लड में जो सर्कुलेट कर रही है बेसोफिल उनके साथ में भी बाइंड होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास में एंटीबॉडी बनी है, जो इम्यूनोग्लोबिन बना है, वो मास्ट सेल और बेसोफिल की सरफेस पर लगे हुए रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद क्या करेगा, ग्रेनुलेटेड सेल्स जो हैं, ये जो मास्ट सेल्स है जो कि ग्रेनुलेटेड है, ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, ये हमें कनेक्टिव टिश्यूज में देखने को मिलेगी, और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसके नीचे देखने को मिलेगी, थ्रोट के अंदर, लंग्स और आईज के अंदर। अगर बार बार उस एलर्जन का सब्सिक्वेंट अगर क्या हो रहा है, एक्सपोजर हो रहा है, अगर बार बार सेम एलर्जन जो है उसका एक्सपोजर हो रहा है हमारी बॉडी के ऊपर, तो यहाँ पर एलर्जन और जो IgE एंटीबॉडी बना था इनके बीच में एक रिएक्शन होगी, और इस रिएक्शन की वजह से मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स का डिग्रेनुलेशन होगा। इनके डिग्रेनुलेशन होने के बाद इनके अंदर जो कुछ केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स रिलीज होंगे, तो यहाँ पर रिलीज हो गए केमिकल मीडिएटर्स लाइक हिस्टामिन, और ये रिलीज होने के बाद ये प्रोड्यूस करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ये कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रोड्यूस होने का ये एक क्या है, मैकेनिज्म है। मोस्ट सीरियस रिएक्शंस जो हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से कौन कौन सी हो सकती हैं, इनकी वजह से BP जो है उसमें क्या हो सकता है, फॉल हो सकता है। ये क्यों हुआ, ड्यू टू वेजोडाइलेशन। मास्ट सेल का हमने बताया था कि उसकी एक प्रॉपर्टी थी कि वो क्या है, एक तरह से वेजोडाइलेटर की तरह काम करेगा। सेकेंडली ये एयर पैसेज है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से हमें डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में, ठीक है, और ये क्यों हुआ, ड्यू टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, हमारे जो ब्रोंकियल एरिया जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। और थर्ड जो सीरियस रिएक्शन है वो हो सकता है शोक, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो लोकलाइज्ड भी हो सकती है और सिस्टेमिक भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सिस्टेमिक हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपको ट्रिक से याद रखना है बाप, BAP बाप, ठीक है, B4 bee स्टिंग्स या फिर इंसेक्ट बाइट, अगर आपको कोई इंसेक्ट खा जाता है, या फिर आपको बी मधुमक्खी अगर कट कर देती है, ठीक है, तो सिस्टमिक हाइपर सेंसिटिविटी जनरेट हो सकती है। मोस्ट कॉमनली अगर सिस्टमिक अगर हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है तो वो एंटीबायोटिक्स की वजह से होगी।
और पी से आपको याद रखना है यहाँ पर पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर किसी भी पेशेंट को अगर पेनिसिलिन अगर दी जा रही है तो उससे पहले एक टेस्ट डोज देनी चाहिए हमें, उसके लिए सेंसिटिविटी चेक करनी चाहिए पेनिसिलिन के लिए। अगर सेंसिटिविटी नहीं है उसके बाद में ही हम लोग पेशेंट को पेनिसिलिन देंगे। लोकलाइज्ड हाइपर सेंसिटिविटी की बात करें तो इसको याद करने के लिए आप याद रख सकते हो फैब, FAAB। F4 यहाँ पर याद रखना आपको फूड एलर्जी, A4 एटोपिक डर्मेटाइटिस, A4 एलर्जिक राइनाइटिस एंड B4 ब्रोंकियल अस्थमा। तो ये हो गई किसके बारे में, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जाम्पल्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में। अदर नेम कौन कौन से हैं इसके, साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस, इसको साइटोलाइटिक रिएक्शंस भी बोला जाएगा, हीमोलाइटिक रिएक्शंस एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शंस भी इनको बोल सकते हैं। क्या होगा भाई इसमें, तो यहाँ पर याद रखिए, इट इज मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एंडोजीनस और एक्सोजीनस एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन सेल सर्फेसेस और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो सेल की सरफेस है या फिर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वहाँ पर जो एक्सोजीनसली या फिर एंडोजीनसली जो एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पर एंटीबॉडी क्या करेगा, अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है रिएक्शन के हैं, दो तरह से पढ़ सकते हैं। एक तो होगा यहाँ पर फर्स्ट होगा कॉम्प्लीमेंट एंड एफसी रिसेप्टर मीडिएटेड इन्फ्लामेशन, और सेकंड जो इसका टाइप है वो याद रखना है एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट एंड एफसी रिसेप्टर मीडिएटेड इन्फ्लामेशन। इसमें क्या होगा, हमारी जो बॉडी है उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यूज हैं उनके अंदर कुछ एंटीबॉडीज जो है वो डिपॉजिट होंगे। जैसे ही हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेट होने से कुछ न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट सेल्स जो हैं उनका रिक्रूटमेंट होगा। यहाँ पर जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट सेल्स के रिक्रूटमेंट के बाद ये सेल्स जो हैं वो डिपॉजिटेड एंटीबॉडीज के साथ में बाइंड होंगे, किसकी हेल्प से, एफसी रिसेप्टर्स की हेल्प से। और ये क्या काम करेंगे आगे जाकर के, एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइट्स रिलीज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पर फर्दरली जो एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइट्स है ये आगे जाकर के कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगे और उनकी वजह से टिश्यू क्या होगा, डैमेज होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो रहा है, टिश्यू डैमेज हो रहा है। सेकेंड अपन बात करेंगे यहाँ पर एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन की, इसको हम एंटी रिसेप्टर एंटीबॉडी भी बोल सकते हैं। इस मैकेनिज्म में क्या होता है, एंटीबॉडी डायरेक्टेड अगेंस्ट सेल सरफेस रिसेप्टर्स इम्पेयर फंक्शन विदाउट कोजिंग सेल इंजरी और इन्फ्लामेशन। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन में किसी भी तरह की सेल इंजरी नहीं होती, ना ही यहाँ पर कोई इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर जो सेल की सरफेस पर जो रिसेप्टर्स होंगे उनके फंक्शन जो हैं वो इम्पेयर हो जाएंगे ड्यू टू एंटीबॉडी रिएक्शन। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर हैं टाइप 2 रिएक्शंस की, तो याद रखना जैसे टाइप 1 रिएक्शन में IgE एंटीबॉडी वहाँ पर मीडिएटेड था, सेम ऐसे यहाँ पर मेनली जो है वो IgG एंटीबॉडी जो है वो मीडिएटेड होगा, ये इन्वॉल्व होगा इस टाइप 2 रिएक्शंस में। समटाइम्स IgM और IgA रिएक्शंस भी हैं इन्वॉल्व हो सकते हैं इनमें। और यहाँ पर अगर कोई डिजीज अगर डेवलप हो रहा है तो उसका जो रीजन है वो है साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, इसीलिए टाइप 2 रिएक्शन को साइटोटॉक्सिक रिएक्शन या फिर साइटोलाइटिक रिएक्शंस भी कहा गया है। यहाँ पर सेल का लाइसिस होता है विदाउट फेगोसाइटोसिस बाय मोनोसाइट्स। तो यहाँ पर मोनोसाइट्स जो हैं बिना किसी फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू सेल को तोड़ेंगे, उसका लाइसिस करवाएंगे। और मोनोसाइट्स के अलावा न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और NK सेल जो हैं वो भी अपनी हेल्प इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। टाइप 2 सेल्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे, तो इसको अपन एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक जो है वो है माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव। माई से अपन को याद रखना है माइस्थेनिया ग्रेविस, और माइस्थेनिया ग्रेविस जो है इसमें हमारी जो मसल्स हैं उनमें वीकनेस होती है और रैपिडली फटीगनेस आती है, तो हमारी मसल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती। बी से यहाँ पर है B4 ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। जी से आपको याद रखना है यहाँ पर ग्रेव्स डिजीज या फिर गुड पॉस्चर सिंड्रोम, जिसको GPS सिंड्रोम भी बोलते हैं। ग्रेव डिजीज के अंदर हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्सेसिव अमाउंट में थायरोक्सिन सीक्रेट करता रहता है, इसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोल सकते हैं। और गुड पॉस्चर सिंड्रोम जो है इसको हम लोग एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज भी बोल सकते हैं।
इससे आपको याद रखना है इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज और आईटीपी। आईटीपी बोले तो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, या फिर इसको बोल सकते हैं इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। आर से यहाँ पर आपको याद रखना है रूमेटिक फीवर, और एस से याद रखना है हाइपर अक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन। पॉजिटिव में याद रखना आपको परनीशियस एनीमिया और पैम्फिगस वल्गैरिस। पैम्फिगस वल्गैरिस क्या है, हमारी जो स्किन है या फिर हमारी माउथ या फिर अदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग है, जहाँ जहाँ पर वहाँ पर जो ब्लिस्टर्स हैं वो ब्रेकआउट होते हैं हमारी स्किन के ऊपर, और यहाँ पर जो इम्यून सिस्टम है वो प्रोटीन्स पर अटैक करता है हमारी स्किन की जो अपर लेयर है वहाँ पर। तो ये था किसके बारे में, टाइप 1 और टाइप 2 एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में।